वेलकम टू स्टडी आई क्यू अकेडमी। आज आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ JVNL की जो अभी आंसर की आई हुई है। दोस्तों बच्चों ने एग्जाम दिया था तो उसके बारे में बताया कि पेपर कैसा आ रहा है, कैसा पूरा उसको आपको मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि पेपर कैसा आया है आपका। तो इस चैनल को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो को बिना पोस्ट किए हुए। तो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ने बताया कि अभी कमेंट करके मेरे लिए, मैंने पूछा था उनसे फ़ोन करके दो तीन से, तो उन्होंने बताया कि हिंदी के लगभग 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 से 30 क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं क्या सर जी, और GK और एंड GS के क्वेश्चन आ रहे हैं 30 से 35 क्वेश्चन लगभग दोस्तों। तो आपको हिंदी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी वाले आ रहे हैं, मैं अभी बताता हूँ, रुक जाओ 5 मिनट। और मैथ में आए थे 10 से 15 क्वेश्चन और इसका रेशियो इतना ही था दोस्तों। इंग्लिश के 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बिल्कुल इजी पेपर है, नॉट मॉडरेट, कोई मॉडरेट नहीं है, बिल्कुल इजी। तो इसको आराम से आप कर पाएंगे। ये इसके लिए उन दोस्तों के लिए बनाया है जिनका पेपर आगे आने वाला है, तो उनके लिए क्या हेल्पफुल होगा ये पेपर, ये वीडियो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है दोस्तों। हिंदी के विलोम शब्द पूछे जा रहे थे, जैसे मान लो सर्दी का विलोम शब्द क्या होगा, खराब का क्या होगा, ऐसे मतलब विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं। और ऐसे मान लो आपको पैराग्राफ देगा, पैराग्राफ में से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और किसी मान लो लोकोक्ति पूछ रहा है, मुहावरे पूछ रहा है 1-2, और समास और ये ज़्यादा नहीं पूछ रहा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल इजी टू पेपर है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल इतना सिंपल इजी पेपर आ रहा है दोस्तों कि आप मानोगे नहीं। और GK एंड GS के क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछ रहा है, जैसे गुजरात की सीमा किस जिले से लगती है, कहाँ पर बारिश ज़्यादा हुई थी, मतलब बहुत ईजी पेपर है। इसमें PH पूछ लिया कि इसका PH कितना होगा, तो बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन आप बिल्कुल मानोगे नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, रुक जाओ थोड़ी देर। और मैथ में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया, सिंपल, थोड़ा बहुत ज़्यादा इजी, और सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया, साधारण ब्याज मतलब जैसे 2000 का साधारण ब्याज कितना होगा 1 साल का, ऐसे मतलब बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। समानुपात अनुपात का क्वेश्चन आ रहा है, रेशियो का आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बोर्ड मास का रूल आ गया, मान लो 2 देर का है, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3, ऐसे मतलब बिल्कुल ईजी पेपर आ रहा है। तो दोस्तों ने बताया था अभी, मैं आप मेरी तरफ से नहीं बता रहा दोस्तों, आपको विश्वास रखिए। और इंग्लिश में जैसे ये आ गया, मान लो इंग्लिश में कैसे आ रहे हैं, जैसे मान लो वो ज़्यादा तो उतर तो वो आ रहे हैं, जैसे मान लो ईज आ गया, फिर एम आ गया, तो इनको क्या है माई आ गया, इनको क्या है अरेंज करना है, तो इनको क्या है सही क्रम में जमाना, तो ऐसे आ रहा है दोस्तों। और क्या आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव से आ रहे हैं दोस्तों एक क्वेश्चन, और जो मतलब करेक्ट फॉर्म प्रीपोजिशन वर्ब आता है ना करेक्ट फॉर्म, तो वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें 2-3। तो आपको क्या है ऐसे बिल्कुल ईजी टू पेपर आ रहा है, कोई टेंशन घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। सॉरी दोस्तों, ये देखो आप दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले कितनी रियासतें थी, तो बहुत ईजी पेपर है, देखो कितनी थी, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, बहुत ईजी था। टंगस्टन का उत्पादन कहाँ से होता है, राजस्थान में, तो कहाँ से होता है, डीगाना, कहाँ पर है, डीगाना में दोस्तों, बहुत ईजी पेपर था। जैसे देखो साइंस का आ गया, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था, जेनर ने, एडवर्ड जेनर, तो आपको बिल्कुल ईजी कर दोगे आप चुटकियों में, मेरे को पता है। मेरे चैनल में जो वीडियो डाल रखी है मैंने साइंस की, तो उनको जाकर के देख लो, मैथ की जाकर देख लो, उनके बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं जाने वाला दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत ट्रिक के साथ बताया मैथ, तो ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी पेपर आ रहा है। पेट्रोलियम द्रवित गैस किसका मिश्रण है, तो ये किसका है, कई हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है दोस्तों, तो इतने ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसको कर दोगे आप। अगला क्वेश्चन है, देखो गुजरात की सीमा किस के साथ नहीं मिलती, जैसे मान लो यहाँ ये आ जाए जयपुर, तो जयपुर के साथ नहीं मिलती, ऐसे ऑप्शन था उसमें, तो वैसे अलग अलग ऑप्शन थे दोस्तों, दो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं इसमें, क्योंकि आप बोलते सर ऐसे फेंक रहे हो, और जब भी पेपर दे के आए भाई तो वो जल्दी से कमेंट में लिख दे, क्योंकि उनका आंसर मैं दे दूंगा, देता रहूंगा, आप जो जितने भी आंसर लिखेंगे कमेंट में, तो मैं आपका उसका आंसर वहाँ को वहीं दे दूंगा कमेंट में, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट में लिखते रहो। सर्दी का विलोम शब्द किया था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। अगला देखो, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन समान हो तो यौगिक कौन सा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोशिका बनी होती किसकी बनी होती है, बहुत सिंपल। पानी की बूंद गोल क्यों होती है, तो ये किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के, तो मतलब सिंपल क्वेश्चन थे, यहाँ बहुत से ये घुमा दिया है दोस्तों क्वेश्चन। फोन का आविष्कार किसने किया था, पहली वॉइस कॉल किसने की थी, तो ये ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा दोस्तों, इसमें कोई घबराने की जरूरत। सर्वाधिक सीमा लगने वाला जिला कौन सा है, तो वो अलग अलग है, जैसे राजस्थान में पाली है,
पाली जिला है वो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है इसके, तो ऐसे मतलब ऑप्शन में अलग अलग होगा दोस्तों, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 2018 में सर्वाधिक वर्षा कहाँ हुई थी, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो एक दो करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, इंडिया लेवल के थे सब, राजस्थान लेवल के थे सॉरी, और इंडिया लेवल का केवल एक क्वेश्चन ही तो पूछा गया था एक दो। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो ये आपसे मतलब पूछा गया था राजस्थान में, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जो भी दोस्त एग्जाम दे के आया है अभी, वो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके कोई डाउट हो तो क्वेश्चन लिख दे दोस्तों, उसका आंसर मैं दे दूंगा वो कमेंट बॉक्स में ही, और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल में जा करके वीडियो देख सकते हो। आप जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले पहले तो, क्योंकि अभी जितने भी आंसर की आने आएगी दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे सबके मैं वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, तो इसलिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, अगली वीडियो मिलते हैं, जब तक टेक केयर।